दीपावली ई एगो ऐसन परब बाते जहां परी बहुत खुशी और एकर संगे संगे रोशनी और प्रकाश लेके आवेला। सब कोई की नमस्ते और उप्रणाम। हुना बास कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ बिल्कुल, आज एगो ऐसन कलाकार के संगे हमने भेंटाब जा जेकर नाम है करिश्मा बुदन। बकेर उ गांव और थोबुची के रहेलन। ओकर भीतर के रचनात्मकता जाने के, पहचाने के और निहारे के आज हमने के मौका मिलता। तो चले जा जहाँ बिल्कुल, आज हुनरबाज कार्यक्रम के जो विषय बातें अपन आप में बहुत ही अलग बातें का है कि हमने एगो ऐसन अवधि में है जा जहाँ पर हमने मनावत है जा दिवाली पर्व। और दिवाली पर्व के पाछे ढेर गो तैयारी होवेला कहे कि हमने के बगल में जिन अलग अलग प्रकार के जो दिया बातें वो अपन आप में बहुत ही जुली बातें। ओकर पाछे एगो हुनर बाती, एगो कला बाती, कलाकार के नाम है करिश्मा बुदन और ओकर एगो छोटका बहिन बाती जेकर नाम है आशना बाजा। आज उन दोनों के संगे हमी बतियाब जा, एकर संगे संगे ओकर काम देखब जा, ओकर पाछे जो क्रिएटिविटी माने कि जो रचनात्मकता बाती वो कई से बातें आज हमी निहारब जा। तो सबसे पहले नमस्ते करिश्मा। नमस्ते अभी करिश्मा, हमने की बतावा कि करिश्मा बुदन के हवन। मेरा नाम करिश्मा है, मैं थ्वाबुची की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ अपनी मम्मी के यहाँ काम करती हूँ, मैं दिया बनाती हूँ। मैं इसलिए अपनी मम्मी के यहाँ काम करती हूँ क्योंकि मेरा एक 15 महीना का एक बेटा है, इसीलिए मेरी मम्मी मेरी हेल्प करती हैं और मैं यहाँ पर ये दियों को सजाती हूँ दिवाली के लिए। तो अब करिश्मा हमने के बतावा कि हाय जितना जो काम अभी हाय जा डिस्प्ले कर ली हुआ, कैसे ओकर शुरुआत होल बाते, एकर जर्नी के बारे में तनिसन हमने के बतियावा था। मैं स्कूल में ऑथर डिज़ाइन करती थी, मुझे ऑथ पसंद है, डिज़ाइन बनाना पसंद है और स्कूल में डिज़ाइन करती थी, मुझे मार्केट बनानी भी पसंद है। और मुझे ये आइडिया 2013 पर आया कि मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ हाथों से डिज़ाइन, मुझे हैंड पेंटिंग बहुत पसंद है। तब मैंने दियाओं से शुरू किया, दियों से शुरू किया, तब धीरे धीरे मुझे मार्केट बनानी पसंद थी। तब मैंने न्यूज़पेपर से कुछ सोचा कि न्यूज़पेपर फेंकने की जगह उससे क्या कर सकते हैं, तब मैंने न्यूज़पेपर रिसिक्ले करना शुरू किया, तब मैंने मार्केट बनाया। आप ही ने पहली बार मेरी प्रोग्राम किया था आज के नौजवान, इस पर हमने एक न्यूज़पेपर वाला प्रोग्राम किया था, कैसे मैं क्राफ्टिंग करती हूँ, कैसे न्यूज़पेपर से कुछ ना कुछ बनाती हूँ, वैसे कि बुल पॉट पॉटरी और मार्केट। करिश्मा हमने के अब ये बतावा कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला, काहे कि आप एगो शादीशुदा औरत हवा, एकर संगे संगे एगो पित्ती बाबू बाते, तो कैसे अपन काम के संभाले हवा, एकर बारे में तनिसन बतियावा था। पहले शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक बच्चा है वो 15 महीने का है, मुझे उसको देखना पड़ता था और काम मैनेज भी करना पड़ता था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मी के यहाँ आऊँगी, तब मम्मी उसको देखती है, मैं ये सब कार्य करती हूँ और मेरी बहन भी है वो भी मुझे हेल्प करती है। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमने के साथ करिश्मा बुधन के छोटका बहिन जेकर नाम है
आशना बाजा उ गांवबा में रहिलन और एकर संगे संगे उ एंटरप्रेन्योर जिन कोर्स बाते उ कर ले हवन ओकर संगे हमने तनिसन बतियाब जा। सबसे पहले नमस्ते आशना। नमस्ते अभिजी। आशना सबसे पहले हमने की बतावा कि कौन कोर्स कर ले हवा अपन ग्रेजुएशन डिग्री लेवल में। मैंने बीएससी मैनेजमेंट किया एंटरप्रेन्योरशिप, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो मैंने सीखा अपने कोर्स में क्यों ना इस बिजनेस में इंप्लीमेंट करूं, सारे स्ट्रेटजीज यूज़ करूं, मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। तब मैंने ये सब अपने, जैसे आज के दुनिया इनोवेट हो रहा है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत हैं, मार्केटिंग करना चाहिए, तो मैं ये सब कार्य देखती हूँ, रोज़ स्टेटस डालती हूँ। रोज़ क्यों डालना चाहिए, क्यों जब फंक्शन फेस्टिवल आ रहे हैं तो लोग बहुत बिजी होते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, कभी कभी नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हमें रोज़ उनको दिखाना चाहिए कि हम क्या बेचते हैं। मैं उसका फाइनेंशियल सेक्टर भी देखती हूँ, मैंने भी अकाउंटिंग किया, तो ये सब ज़रूरी देखना चाहिए कि एक्सपेंस कितने हैं, सेल्स कितने हैं, ये सब। तहजा ये बात की पुष्टि हुआ था कि हमने के जो हुनरबाज बातें वो खाली अकेला नहीं बाते, बकर ओकर संगे संगे ओकर एक छोटका बहिन बाते जे हाथे पाते मिलजुल करके उ लोग अपन जन कला बाते जन हुनर बाते उन निम्ते से दिखावे के एकदम सफल हवन जा। आप अपने जितना जो प्रोडक्ट्स बाते जो पैदावार बाते ओकरा डिस्प्ले करे ला एकर माध्यम कौन सी बाते एकर बारे में तनिसन हमने के बतावा था। अभी हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे कि फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, इस पर हम हमारे प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं और मेरी सिस्टर इस पर हमें हेल्प करती है, मुझे हेल्प करती है, ऑनलाइन पोस्ट करती है, और सारी जो व्हाट्सएप है मेरी सिस्टर हेल्प करती है। सबके जिंदगी में ढेर गो चुनौती बातें बकेर ये हमने पर निर्भर होवेला कि कैसे हाई सब जितना जिन चैलेंजेस बातें ओकरा निमटे से ओकर सामना करे के चाहिए। अब करिश्मा हमने के ये बतावा कि कौन कौन प्रकार के चैलेंजेस माने कि चुनौती के सामना आप करेला और कैसे हाई सब मैनेज करेला। इस कार्य में हमें एक डेडलाइन मिलती है, जैसे कि दुर्गा पूजा आया था, 9 दिन पहले हमें क्लाइंट को सप्लाई कर देना चाहिए। मेरी पति इस पे हमारे साथ लिवरेजों करते हैं, वो भी काम करते हैं पर समय निकालते हैं मेरे साथ, डिलीवरी करते हुए रात हो जाती है। और मुझे एक बार एक प्रॉब्लम हुआ था शैंपेन करने की, मैं शैंपेन भी डेकोरेट करती हूँ, शैंपेन करने मैं डेकोरेट कर रही थी, फिर एक बार एक समस्या आया कि जब मैं ख़त्म हो गई, वो डेकोरेशन फिनिश हो गया, तब वो शैंपेन एकदम से वो एक्सप्लोजेट हो गया। तब हम मेरी काम रुक गई, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, एक और बोतल लिया, उसको डेकोरेट किया और कार्य को ख़त्म किया और क्लाइंट को हैप्पीली डिलीवर की।
अब करिश्मा हमने के ई बतावा कि आपके प्रेरणा स्रोत की हवन और काहे। मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है, क्योंकि वो मेरी बहुत मदद करती है। मेरी सारी जो आइडिया है पहली मेरी माँ से आती है। वो मुझे बताती हैं कि ये कैसे करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए, और मेरी बहुत सारी मदद करती है। वो मुझे बेसिक चीज़ जो है वो मुझे करके देती है, तब मैं वो फाइनल रिजल्ट मैं लाती हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत एडवाइस देती है, मेरे साथ भी काम करती है, मेरी हेल्प करती है और मेरे बच्चे को भी देखती है। और मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। जी हाँ बिल्कुल। अब हमने के साथ करिश्मा बुदन के माँ हवन। सबसे पहले नमस्ते माता जी। नमस्ते। अभी हमने के बतावा कि कैसे आप अपन लड़का की मदद करे लन, खासकर दीपावली के पर्व के बखत बाते ऐसा बेरा में, और कैसे ओकर मदद करे ला। हम काम करीला, एगो लेता हूँ खोज के लड़का लोग के मदद करीला, लड़का लोग के एड करीला, जब मैं लड़का लोग अपन काम में अपन बिजनेस में आगे जाए, और लड़का लोग के मदद करीला पैकिंग करे के, पैचरी करे के, डेकोरेशन डाले के, और करिश्मा के बेबे की देखीला, जब मैं करिश्मा सकी और काम करे, अपन लिवरेजों सब निमन से करे, और लिवरेजों करे जाला तो कर बेबे देखीला, जब लेने आवेला बेबे के देखीला तब मैं उसे के अपन काम करे। और जितना जन लोग है कार्यक्रम इ बखत देखा था वंजा, उन लोग के कौन संदेश देबा? हमार संदेश बा सब माँ लोग अपन लड़का लोग के एड करे के, ओकर लड़का लोग के जे एगो कला बा तो कला के आगे बढ़ाए के मदद करे के, और अपन लड़का लोग के सहायता करे के। बखत हमने के साथ करिश्मा बुदन के पिताजी हवन। सबसे पहले नमस्ते जी। नमस्ते अभी जी। हमने के ई बतावा कि आपके दूगो बेटी बाते, और है सब जो व्यापार जो एंटरप्रेन्योरिया करत हवन जा, तो कैसे बुझाला? हमरा बहुत अच्छा लगेला, हमर दोनों बेटी जो व्यापार करे लसन, दोनों का बिजनेस बा, अगर कला वालों के काम करे के, हम बहुत खुश है। हमर दूगो बेटी ढला, हमर दूगो बेटा वो लोग भी है। जिंदगी में एगो ड्राइविंग फोर्स रहेला, कितना प्रॉब्लम, कितना समस्या, कितना चुनौती के सामना करबा, दोनों पर अगर वो ड्राइविंग फोर्स उभर करके सामने आवेला, तब जा करके एगो काम करे के आर जस्ती शक्ति मिलेला। करिश्मा, आपके ड्राइविंग फोर्स के हवन? मेरा ड्राइविंग फोर्स मेरा पैशन है और मेरा जुनून है। मैं मेरे काम को बहुत पसंद करती हूँ। मैं सभी अपनी लगन और मेहनत से मैं कार्य को खत्म करती हूँ। जी बिल्कुल। इ बखत हमने के साथ हुनरबाज के जो दादी हवन, हुनरबाज करिश्मा बुदन के दादी हवन, और जैसे कि जाने लजा कि हमने के जो बर्वजना हवन जा, वो लोग बहुत ही अनुभवी बते, कहे कि वो लोग ढेर चीज जाने लन जा। तो सबसे पहले नमस्ते दादी। नमस्ते अभी जी। दादी, हमने के बतावा कि अपन बखत में, अपन जब आप अपन जमाने में
पुरनका जमाने में कैसे आप लोग दीपावली दिवाली जिन बातें वो जिन पर्व बातें वो मनावत हलल जा हमने दिवाली मनाई सा जाए सब पोंगा काटे पोंगा काट के आन के ओकर चिराग बनाब सा तो होवे सगरो रखब सा हई सब नहीं रहल तब आले आले तब तनी माटी के चिराग ऐसे इनी रखब सा ऐसे रहनी सा तब आले आले बकिर अब के लिए तमें जो लड़का लोग करता बहुत अच्छा बा आज बहुत खुशी रहिला कि हमार नातिन लोग के है गुण भगवान दे ले बा सरस्वती माता दे ले बा हाँ आज बहुत निमन होन सा सब हमार लड़का बेटा बेटी नाती नातिन सब कर माजला काम करे कोई नहीं रहेला तब हम आइला ला हो तनी ओकर बाबा के तन दिजोत करेला ना ओके तनी देखिला तनी कुछ करेला ई अपन काम करेला कब्बो आन के हमार लगे नीचे छोड़ देवेला देखिला सा तब ओकर माँ सकेला अपन नेती करे बस कि उन्हें खुशी बा अपन लड़का के गौदरी में छोड़े के वो कुछ छोटा मोटा काम अपन करी आर अपन लड़का भी देखी अच्छा बा जी हजा ई बात की पुष्टि हुआ था कि हमने की जो दादी बातें वो हाथे पाते अपन जो नातिन बातें ओकर पिती बाबू के निमन से देखेला बहुत दुलार करेला और एक संगे संगे जो हुनरबाज बातें करिश्मा बुदन के समय मिलेला अपन ठेकेदारी करे के अपन व्यापारी करे के और ऐसन बखत में हजा जैसे कि हमने की जो दादी बोले हवन कि जुन उ बखत अपन जमाने में जो पोंगा के लेके बनान के जो पोंगा के लेके ओकरा निमन से काट के ओकरा तनी सन धो धा के तनी सन लामेस डाल करके दिया जलावत होलन जा उ वक्त और आज ई ऐसन समय बाते जहाँ पर बहुत ही रचनात्मक ढंग से भी है जा हमनी दिया प्रस्तुत करत है जा आज के समय के दीपावली अवसर पर जहाँ बिल्कुल ई वक्त हमनी के साथ करिश्मा के दादा हवन ओकर संगीत निसन हमनी बतियाब जा सबसे पहले नमस्ते दादा जी नमस्ते दादा हमनी के बतावा कि आप अपन जमाना में जब आप बहुत जवान रहला त औसन बेरा में कैसे आप लोग दीपावली पर्व मनावत हल जा ओ वक्त में जानत ले उतना कैसे वैसा लालिमिया चारों बगल नहीं रहल तमने बहुत जवान नहीं था धर लाए को 10-15 वर्ष के बाद बहुत ही द्वारा कि चारों बगल धर ल अंधारी अंधारी रहल हाँ। तो उस रोज चारों बगल दिग्वता कैसे रास्ता की उकर रास्ता के उकर बोर में चारों बगल दिया जलावत है बनान के पोंगा के उनकर दिया बनावल जाता और घर घर से मीठा पकवान लोग आने तलन जा हमने जाके देवते नहीं जा आसपास के घर में लोगन के ऐसे होता और एगो ऐसन बखत रहल जहाँ पर उ लोग पपाई के ओकरा निमन से काट के ओकरा भीतरे से कोड़ के एकर बारे में तनिसन बतिया बता तो वो तो उतना अच्छा से नहीं जानी ला हम जैसे हम सुन ले आए कि पपाई के कोड़ के 3-4 को कर छेद करके उमें बत्ती डाल के तेल डाल के बत्ती डाल के तब ओके 12 तलन जा और अच्छा जोर करता लो फिर भी जैसे तो आपको सुने ही नहीं है कि ये सब एगो जमाना रहल बचपन के जमाना ये दूसरे रहल और बहुत अच्छा और कैसी खुशियां के दिन रहल हमने के अब आपके जो नातिन हवन करिश्मा ऐसन जुली जुली दिया के सजावता त कैसे बुझाता हमके लौकता कि एगो कारबार उठैलवन हर प्रकार के हमके अच्छा लगेगा जब लड़का लोग कैसे उन्नति करके उन्नति करेता आगे बढ़ता
और अपन पैर पठाड़ा के कुछ न कुछ आगे बढ़े के ध्यान दिल जा हमके बहुत खुशी लगे रहा ऐसे उसकी ई मेल था कि उन लोग के ध्यान जोन बा व्यर्थ नहीं जाता उनमें कुछ न कुछ आई आमदनी आई हम उन लोग के धन्यवाद करते हैं कि ऐसा कार्य उठेले वन जा कि आगे बढ़े के और आगे दिन चल के उन्नति हुई हमारी शुभकामना बोलो के जितना जन लोग जन दर्शकगण बाते ई बखत है कार्यक्रम देखत वंजा ओ लोग के कोई संदेश देवा करिश्मा मैं आजकल के नौजवान को ये संदेश दूंगी कि सभी लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी है एक पाशन है वो लोग अपने पाशन को सामने लेकर आए लोगों को बताए कि हम नौजवान कुछ ना कुछ कर सकते हैं संदेश देला कचम बेटी कचम बेटा मैं बेटी लोग जन करेला कमल निशान देखो आजो के और कुआजो के जगह बेटी भी बा उन लोग के काला कोनो काम करी उन लोग के कुआज करी कोनो बिजनेस करी कोनो काम करी खोजी उन लोग के आगे जाए दी तो जैसे कि हजा देखा था वह जा जुन जुली जुली जुन दिया बाते करिश्मा और उकर बहिन आशना के बगल से सुंदरता के साथ सजावल गल बाते और एकर संगे संगे सुंदर रंगोली भी बाते करिश्मा के पूरे परिवार हमने के संगे बाते हाजा और दीपावली के जो परब बाते वो अपन आप में बहुत ही खूबसूरत बाते और हाजा बहुत ही सुंदरता के साथ ओकरा सजावल गल बाते शक्करकंद गातो बतात के जो मिठाई बाते हाजा छान के निमन से हाजा डाल गल बाते पेश करल गल बाते त आज लैंप आउट दिया से जुड़ल जुन कला बाते आज सीखे के मौका मिलल बाते करिश्मा बहुत बहुत धन्यवाद और ओकर पूरे परिवार और सब जितना जुन सुंदरता के साथ जुन सजावट होल बाते एकरा बहुत बहुत धन्यवाद ता एकरे वे संगे हमने के खास कार्यक्रम हुनरबाज कार्यक्रम जे दीपावली पर्व से जुड़ल बाते है जा समाप्त हुआ था बकेर ऐसन बेरा में आप सब लोगन के हमने बोलब जा दीपावली पर्व के मंगल कामना अभी उदय के बगल से और करिश्मा और उकर पूरा परिवार के बगल से सब कोई के दीपावली पर्व की शुभकामनाएं नमस्ते और प्रणाम।